चलिए हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म और इसमें अब हमारा चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट हो रहा है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एज पर द सीयूटी हमें सिलेबस दिया गया है कि कंसेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑइस्टेड एक्सपेरिमेंट बाइट सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एम्पियस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर स्ट्रेट एंड टोरॉइडल सोलोनोइ्स फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये कुछ सिलेबस देखा देखा लग रहा है आपका एनसीआरटी का फील्ड करंट केरिंग कंडक्टर्स डेफिनेशन ऑफ एम्पियसॉर्क एक्सपीरियंस बाई ए करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड मूविंग कोयल गेलवेनोमीटर इट्स करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्ट मीटर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट the magnetic dipole moment of a revolving electron magnetic field intensity due to a magnetic dipole bar magnet along its axis and perpendicular to its axis torque on a magnetic dipole bar magnet in a uniform magnetic field bar magnet as an equivalent solenoid magnetic field lines right तो यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंस एंड मैग्नेटिज्म है ये हम लोग इसको दो चैप्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं जो हमारा पहला वाला चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एज पर सिलेबस क्या है ये हमने देख लिया राइट अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा मैग्नेटिज्म इसके बारे में हम लोग जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे तो अब हम लोग यहाँ पर हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इसमें सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये बताइएगा कि स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड चलिए ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी राइट right? तो इसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है सो वी कैन से इट इज वेक्टर क्वांटिटी क्या है ये चीज क्वांटिटी है और इसकी एसआई ही यूनिट की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई ही यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर इसको शॉर्ट में इलन मस्क वाला टेस्ला ते भी कहलाती है ये राइट और सीजीएस यूनिट की अगर इसकी बात करें सीजीएस यूनिट इसकी रहेगी मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर और अर्थ पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है ठीक है ना वो हमारी एक गॉस कहलाती है अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस पे जितनी होती है वो हमारी वन गॉस कहलाती है और वन टेस्ला इन टर्म्स ऑफ गॉस इज गिवन बाय वन टेस्ला इज इक्वल टू टेन टू पावर फॉर गॉस राइट right? इतना समझ में आया आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात करेंगे लो लो राइट यूज़ किया जाता है अगर हमारे पास में एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है इस कंडक्टर का एक छोटा सा पीस अगर हम लोग कंसिडर करें जिसमें करंट आपका आई फ्लो हो रहा है और इसकी जो लेंथ है वो आपकी डीएल है क्या वो रिमोट से हो जाता है ना, ना तो ठीक है ध्यान दीजिएगा इधर तो बायोट सेवर्ट लॉ ये कहाँ यूज होता है अगर हमारे पास में एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस छोटे से कंडक्टर का अगर हम लोग पार्ट कंसिडर करें जिसकी लेंथ डीएल है और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो इस स्मॉल करंट एलिमेंट के वजह से एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है ये हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ से बताते हैं तो लेटर से हमारे पास में एक छोटा सा करंट एलिमेंट है करंट एलिमेंट यानी कि जिसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है और इसकी लेंथ डीएल है करंट एलिमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन उस इंस्टेंट में जो करंट की डायरेक्शन होती है वही हमारी करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होती है तो बाइट सेवर्ट लॉ कहता है कि यहाँ पर इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये इस करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी राइट और यहाँ पर करंट एलिमेंट और ये जो आपका आर वेक्टर के बीच में एंगल है इसके साइन थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इसके डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होगी राइट तो इसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये होगी हमारी डीबी इज इक्वल टू के इन टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर के ये हमारा कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है म्यूनोट अपॉन में फोर पाई और ये हो जाएगा हमारे पास में म्यूनोट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन में आर स्क्वायर म्यूनोट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है क्या कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस तो ये हमारी इसका मैग्नीट्यूड आ गया और डी जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस पॉइंट पी राइट ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा डीबी वेक्टर इज इक्वल टू के इनटू ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सभी लोग बीएल वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब राइट तो डीएल यहां पर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा है वेक्टर के फॉर्म में और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी इस इंस्टेंट पे जो करंट की डायरेक्शन रहेगी क्रॉस प्रोडक्ट है यहां पर यह ध्यान दीजिएगा विथ आर वेक्टर आर वेक्टर क्या होता है कि करंट एलिमेंट के पॉइंट से लेके जिस पॉइंट तक हमको ठीक है ना जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उनके बीच की जो ये डायरेक्ट दूरी है ठीक है ना ये आपकी आर वेक्टर कहलाती yes, तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी बहुत ध्यान से सुनिएगा इसकी जो डायरेक्शन बनेगी ये क्या होगा डीएल वेक्टर क्रॉस वेक्टर से बनेगा और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से यानी कि अगर हम लोग हमारे राइट right हैंड का ठीक है ना स्टार्टिंग पहला वाला वेक्टर डीएल वेक्टर को हमारी पूरी फिंगर्स उधर पॉइंट आउट करें ठीक है डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी आर वेक्टर देखो इधर है तो उस डायरेक्शन में हमको हमारी फिंगर्स को कर्ल कर लेना है राइट तो अगर हम लोग हमारी फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्ल करें राइट तो देखो इस ऐसे करोगे तो आपका ये होगा नहीं डायरेक्शन क्या है उधर तो हमको हाथ घुमाना पड़ेगा ऐसे और जब घुमाओगे ऐसे ठीक है ना तो हमारा थम क्या है स्क्रीन के अंदर जा रहा है आपके लिए भी वैसे ही रहेगा मैंने बोला ना इसका ओरिजिन फ्लिप कर दिया है मैंने ठीक है तो आपके लिए भी क्या रहेगा ये हमारा थम कैसे आ रहा है स्क्रीन के अंदर पॉइंट कर रहा है समझ में आ रही बात तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी उस पॉइंट पर अंदर की तरफ रहेगी और अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे बताते हैं क्रॉस से बताते हैं राइट हैंड को ऐसे घुमाते हैं हम लोग बता रहा हूँ ठीक यहाँ पर पहला वाला जो वेक्टर रहेगा पहला वाला वेक्टर कौन सा है हमारा डीएल वेक्टर तो डीएल वेक्टर को ठीक है ना ये हमारी सारी की सारी फिंगर्स जो है वो डीएल वेक्टर की तरफ पॉइंट कर दो और उसके बाद में हमको ये 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 जो है किसकी तरफ़ घुमानी होगी के तो आर वेक्टर तो के तो तो अब इधर हमारा पर इसको पूरा तब हमारी घूमेगी तो जब अंगूठा यहाँ से खुलेगा तो कैसे जा रहा है ये आपका अंदर की तरफ जा रहा है स्क्रीन के अंदर की तरफ यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी स्क्रीन के अंदर की तरफ और अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड को एज कैसे हम लोग बताते हैं क्रॉस से और बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड को या फिर कोई वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डॉट से बताते हैं एरो है तो पीछे है। है तो वाला, वाला point, दिखाई देता है, तो उस जब बाहर की तरफ आता है जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की तरफ आ रही है तो इसको हम लोग कैसे बताते हैं पॉइंट से बताते हैं लेकिन यहाँ पर इस केस में कैसा है मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर देखिएगा हमने इसको क्रॉस से बताया चीज समझ में आई हो जाएगा उससे ठीक है ये चीज समझ में आई ठीक है ना तो क्रॉस प्रोडक्ट का जब भी भी रहेगा भले ही आपकी चीजें चेंज हो जाए यहाँ पर ठीक है ना क्योंकि चेंज हो सकती है लेकिन ये जो आपका कंसेप्ट है राइट हैंड वाला अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है ठीक है तो आप इसको कहीं पर भी इजीली अप्लाई कर सकते हो ठीक है तो इस प्रकार से आई होप ये चीज समझ में आई आपको अब इसके केसेस देखते हैं अगर हमारा ये थीटा जीरो डिग्री हो यानी कि अगर हमारा ये पॉइंट पी ठीक है ना यहाँ पर हो इसके एक्सिस के अलोंग पे हो तो हमारा करंट एलिमेंट के वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी या फिर अगर हमारा थीटा 180 डिग्री हो यानी कि इस एक्सिस के अलोंग हमारा कोई पॉइंट हो तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं राइट दैट इज थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री और इट इज वन एटी डिग्री तो इसके केस में यहाँ पर साइन थीटा थीटा में यहाँ पर क्या पुट करोगे जीरो या फिर वन एटी डिग्री और जीरो या फिर वन एटी डिग्री साइन जीरो डिग्री कितना होता है कितना होता है जीरो होता है और साइन वन एटी डिग्री भी कितना होता है जीरो होता है यानी कि एक्सिस पॉइंट पर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी जीरो रहेगी राइट right? तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि दैरफोर बीबी इज इक्वल टू जीरो और वहीं अगर हम लोग हमारा एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लें तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि पॉइंट कहां पर पहुंच गया कुछ ये यहाँ पर राइट right? तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इसमें यहां पर थीटा 90 डिग्री पुट करो तो क्या मिल जाएगा हमको ये वन मिल जाएगा साइन नाइनटी डिग्री तो वन तो सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास में के आई आर स्क्वायर सो फॉर दिस वी कैन से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी डी बी इज टू क्या बनेगी के आई अपॉन में आर स्क्वायर और ये हमारी मैक्सिमम हो जाएगी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो यहां से हम लोग अगर आर फिक्स करते हुए एक सेमी सर्कल ऐसे बनाएं ठीक है ना या फिर आप यहाँ पर ऐसे सर्कल भी मान लो आपका इस तरीके से हम लोग घुमाए इसको तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बढ़ते 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 इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगी और फिर वापस इधर जाते जाते आपकी कम होती जाएगी और यहाँ पर जीरो हो जाएगी फिर यहां से ऐसे बढ़े तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से बढ़ जाएगी और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी और फिर इधर जाए तो वापस मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ना हमारी नाइनटी डिग्री और टू सेवेंटी डिग्री पे मैक्सिमम मिलेगी हमको एक्सिस के अलोंग पे जीरो मिलेगी तो मैक्सिमम कहां मिल रही है हमको इक्वेटोरियल लाइन पे ये बात समझ में आई तनु आगे बढ़े बढ़े क्या नहीं बढ़े yes, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हमारे पास में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है सभी लोग ध्यान दीजिएगा बातें नहीं करेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इससे एक परपेंडिकुलर दूरी पे हमारे पास एक पॉइंट पी है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसको अब हम लोग स्टडी करेंगे लेटर से ये हमारा जो पॉइंट पी है इस कंडक्टर से परपेंडिकुलरली आर दूरी पे और इस पॉइंट से अगर हम लोग वायर के एंड पॉइंट्स पे बना के ऐसे लाइन ज्वाइन करें तो ये इस परपेंडिकुलर के साथ में थीटा वन और थीटा टू एंगल बना रही है सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एट पॉइंट पी विल बी गिवन बाई बी इज इक्वल टू म्यूनोट आई अपॉन में फोर पाई आर साइन थीटा वन प्लस टू साइन थीटा टू हो जाएगा hmm. और इसके साथ ये भी ध्यान में रख लीजिएगा अगर हमको यहां पर यह थीटा वन नहीं होता और मान लीजिएगा ये आपका इस तरीके से फाइव वन होता और ये आपका फाइव टू होता तो उस केस में ये आपका 51 प्लस 52 हो जाता बात समझ राइट right? अब इसके कुछ केसेस देख लेते हैं अगर हमारे पास में ये वायर सेमी इनफाइनाइट वायर होता सेमी इनफाइनाइट वायर यानी कि ये जो पॉइंट है ये एक वायर के एंड पॉइंट पे होता ध्यान दीजिएगा या तो ये नीचे वाले पॉइंट पे होता या फिर ये आपका ऊपर वाले पॉइंट पे होता तो इसको क्या कहते हैं हम लोग सेमी इनफाइनाइट वायर ठीक है ना कोई भी एक एंड के करीब आपका जो पॉइंट होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि एक साइड में आपका इनफाइनाइट हुआ ना तो ये वायर कहलाता है आपका सेमी इनफाइनाइट वायर तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे के लिए इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि फॉर याद रखिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली अभी जो मैं बता रहा हूँ अब अगर ये वायर हमारा इनफाइनाइट हुआ यानी कि ये पॉइंट कहीं आपका बीचों बीच में राइट right? एक एंड से भी वायर इनफाइनाइट जा रहा है उसके लिए और दूसरे एंड से भी वायर इनफाइनाइट जा रहा है ठीक है तो यहां पर इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं फॉर ये जो चीजें आ रही है वो इसी फॉर्मूले से ही आ रही है राइट सो वी कैन से फॉर इनफाइनाइट वायर मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी गिवन बाय म्यू नोट आई अपॉन में रूपया राइट और अब अगर हम लोग हमारा कोई एक्सियल पॉइंट कंसीडर करें एक्सियल पॉइंट यानी कि इस लाइन के अलोंग ही ठीक है यानि कि ये हमारी लाइन चल रही है आपका इस लाइन पे अगर कहीं पर भी हमारा पॉइंट होगा तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी जीरो बनेगी सो वी कैन से एट एक्सियल पोजिशन बी क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल बी जीरो यानी कि अगर हम लोग यहां पर देखें कि जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है फॉल करती जाएगी राइट इनवर्सली मैग्नेटिक फील्ड का इस वायर से दूरी के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप है इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड और दूरी आर को अगर हम लोग ग्राफिकली दिखाएं तो ये कर्व हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चलेगी राइट आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला टॉपिक स्टडी करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट केयरिंग आर्क अगर हमारे पास में एक सर्कुलर करंट केयरिंग आर्क है जिसमें करंट आपका आई फ्लो हो रहा है और इसका ये हमारा सेंटर है और इस सर्कल का रेडियस आर है और लेटर से ये जो हमारा आर्क है या फिर कर्व है ये सेंटर के साथ में थीटा एंगल बना रहा है तो इस कर्व के वजह से इस सेंटर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इट इज गिवन बाय बी टू म्यू नोट आई अपॉन में टू आर इंटू थीटा अपॉन में टू पाई ठीक है समझ में आया ये? क्या हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन में टू आर इंटू थीटा अपॉन टू पाई और इससे इसके वजह से जो यहाँ पर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी ठीक है ना इसका भी थोड़ा तरीका ध्यान में रखिएगा कैसे जिस सेंस में हमारी कर्व जा रही है ठीक है ना उसका जो आपका करंट का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लो जब कर्ल करोगे जो थम की डायरेक्शन है वो वहां पर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यानी कि यहाँ पर कैसे दिख रहा है आपका स्क्रीन के अंदर तो वहां पर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी अंदर की तरफ यानी कि क्रॉस से बताएंगे हम लोग राइट हैंड का यूज करना है ठीक है तो इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास में ये सर्कल अगर ये सर्कल सेमी सर्कल होता तो अगर ये सेमी सर्कल होता तो ये थीटा कितना हो जाता, पाई हो जाता ठीक है ना तो यहाँ पर थीटा पाई पुट करोगे तो इससे हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी सो वी कैन से फॉर सेमी सर्कल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज गिवन बाई म्यू नॉट आई अपॉन में फोरा और वहीं अगर ये कंप्लीट सर्कल होता राइट right? तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं फोर सर्कल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज गिवन बाय म्यू नोट आई अपॉन में टूआ राइट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ए ए ए वायर शेप्ड टू रेगुलर ऑफ़ ऑफ़ साइड सेंटीमीटर कैरीज़ करंट तो हमें बोला गया है कि यहाँ पर हमारे पास में एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसकी हरे की साइड लेंथ कितनी है टू सेंटीमीटर और ये दो एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्साकोन तो इस हेक्साकोन के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हमें बतानी तो रेगुलर हेक्सागोन है यानी कि हर एक साइड लेंथ आपकी इक्वल है और ये कितनी है हमारी टू सेंटीमीटर के बराबर लेटर से ये हमारा रेगुलर हेक्सागोन है इसकी एक साइड को हम लोग ए से बता देंगे इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसके सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हमसे पूछी जा रही है तो यहां पर ये ए है तो ये अगर इस साइड को अगर हम लोग ज्वाइन करें ठीक है ना तो ये सिक्सटी डिग्री होगा ये सिक्सटी डिग्री होगा और ये आपका सिक्सटी डिग्री यानी कि ये हमारा कैसे बनेगा इक्विलेट्रल ट्राइंगल यानी कि ये साइड लेंथ भी आपकी ये ए है और ये ए है और अगर हम लोग यहां से इसका एक बाइसेक्टर बनाए तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री और ये भी हमारा थर्टी डिग्री हो जाएगा राइट तो ये आपका डायग्राम में मैंने शो कर दिया पहले से तो अब एक इस वायर के वजह से ठीक है ना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी कि इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और बाकी वायर के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड उतनी होगी क्योंकि सभी की लेंथ हमारी सेम है और इन वायर्स के की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी इसको कैसे बताओगे आप राइट तो ये हमारा क्लोज लूप है क्लोज लूप के लिए कैसे निकालते हैं हम लोग जिस डायरेक्शन में हमारा लूप जा रहा है ठीक है ना उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लो आप तो यहां पर थंब कैसे बता रहा है आपका अंदर की तरफ पॉइंट हो रहा है सबके लिए अंदर ही जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमको कैसे मिलेगी स्क्रीन के अंदर की तरफ यानी कि क्रॉस से हम लोग इसको बताएंगे तो हमें बेसिकली ये दूरी चाहिए रहेगी कि ये जो है आपका ए और ये आपका ए कितना है ठीक है ना सॉरी हमें ये हमारे पास ए है ये ए है हमें ये दूरी चाहिए होगी कंडक्टर के लिए डायरेक्ट परपेंडिकुलर दूरी इसको कैसे निकालोगे आप इसको कैसे निकालोगे ये देखिएगा ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड कितनी है ए बाई टू है तो इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये हमारे पास में हाइपोटेनियस ले लो ये बेस ले लो ये परपेंडिकुलर ले लो ये हमारा एंगल 60 डिग्री है तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वही हमारा आर होगा देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि आवर आर विल बी गिवन बाई ए साइन ऑफ 60 डिग्री ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है टू सेंटीमीटर ये ये हमारे पास में टू इंटू टेन की पावर माइनस टू इन साइन सिक्सटी डिग्री कितनी होती है Root by Root और यहां पर देखो ये आपका टू से टू कट कर लो रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन थ्री होती है तो हम लोग कह सकते हैं इट विल बी वन पॉइंट सेवन थ्री इन टेन की पावर माइनस टू मीटर ठीक है अब जो यहां पर पी पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी बीपी इज इक्वल टू साइड से तो सिक्स वजह से लेटर से मैग्नेटिक फील्ड हमारी बी वन है तो ये क्या हो जाएगा आपका सिक्स टाइम्स बी वन और बी वन की अगर बात करें ये आपका सिक्स है बी वन यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास में म्यू नॉट आई अपॉन में फोर पाई आर इन टू ये आपका ठीक है ना थीटा वन ले लो आपका ठीक है ना ये वाला थीटा वन ये आपका थीटा टू ले लो दोनों ही 30 डिग्री है सो वी कैन से इट इज इन जनरल प्लस थीटा टू टेन टू दी पावर माइनस सेवन इन टू राइट करंट हमारे पास में टू एमपी तो right? फिर साइन थीटा वन कितना है थर्टी डिग्री और ये आपका थीटा टू भी आपका थर्टी डिग्री है तो ये आ गया हमारे पास में साइन थर्टी डिग्री प्लस साइन थर्टी डिग्री अपॉन में ये आपका 4 पाई आर कितना है हमारे पास में वन पॉइंट सेवन थ्री इन टू टेन की पावर माइनस टू और साइन थर्टी डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए जरा ठीक है ना वन बाई टू तो ये वन बाई टू प्लस वन बाई टू करेंगे तो ये वन आ जाएगा राइट और यहां पर ये देखिए ये फोर पाई से हमारा फोर पाई कटा तो इसको जब आप आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस फाइव टेस्ट लाइ राइट तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन ये हमें दिया गया है कि एक करंट पाथ शेप्ड एशियोन इन फिगर एक करंट पाथ है ठीक है ना उसमें करंट जो है जैसे कि हमें फिगर में दिया गया इस प्रकार से फ्लो कर रहा है प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड एट पी सेंटर ऑफ द आर्क ये जो है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पी की बात हो रही है ये जो हमारा आर्क है इसके सेंटर पे पी पॉइंट है वहां की बात हो रही है सो इफ दी आर्क एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द आर्क इज जीरो सिक्स मीटर तो ये जो हमारी आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है थर्टी डिग्री का एंगल बना रही है और इसकी जो ये रेडियस है ये रेडियस हमें कितनी बताई गई है जीरो पॉइंट सिक्स मीटर बताई गई सो वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट पी तो सेंटर पे यहां पर राइट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्निट्यूड कितना होगा ठीक है ये हमें पूछा जा रहा इफ द करंट इज थ्री एम्पियर तो अगर इस वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है थ्री एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो राइट तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यहाँ पर ये वाला जो करंट है और ये वाला जो करंट है इनके वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी तो आप क्या बताओगे सीधा सीधा बोलोगे कि जीरो होगी हो कारण क्या ये तो इसके एक्सिस पॉइंट पर बन गए ना इसके लिए एक्सिस लाइन हो गई है आपकी इसके लिए भी आपकी एक्सिस लाइन हो गई तो इसके लिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी जीरो होगी कंडक्टर के 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 एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? होती है है जीरो तो यानी कि इन दोनों वजह से यहाँ पर पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी जीरो हो गई तो लेटेस्ट से इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बी वन है इसके वजह से बी टू और ये आपका बी थ्री तो हम लोग कह सकते हैं कि बी वन इज इक्व टू बी टू इज इक्वल टू जीरो राइट सो सबसे पहले तो हम लोग कह लेंगे कि B1 वन इज इक्व टू बी थ्री इज इक्व टू जीरो राइट तो देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम से रिप्रेजेंट करके बताया अब B2 की हम लोग बात कर लेंगे यानी कि जो ये आर्क है इसके वजह से P पॉइंट पे यानी कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें अब भी फॉर्मूला देखा था इट इज बी टू इज टू म्यू नोट आई अपॉन में टू आर इन टू थीटा अपॉन में टू राइट पुट करते हैं आप हम लोग तो म्यू म्यूनोट की वैल्यू क्या होती है फोर टेन की पावर माइनस सेवन इन टू कर अपॉन में टू आर तो टू इंटू आर की वैल्यू जीरो पॉइंट सिक्स हमें दी गई यहां पर थीटा ठीक है ना इन टर्म्स ऑफ रेडियन थर्टी डिग्री है तो क्या बोल सकते हैं इसको पाई में पाई ले लो अब देखो ठीक है ना यु होगा इनके बीच में कुछ कैंसिल आउट होगा ये गया टू आ गया यहाँ पर इस टू को ये टू को काट सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये पाई से पाई कट जाएगा ठीक है ना ये थ्री और ये कटके आपका यहाँ पर जीरो पॉइंट टू आ जाएगा ठीक है ना ये टू कटके आप जीरो पॉइंट वन आ जाएगा तो इस प्रकार से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में थ्री पॉइंट वन फोर एन टू टेन की पावर माइनस सेवन कौन में ठीक है तो इसको अरे ये हमारा ठीक है इसको यहाँ पर अलग तरीके से मैं काटता हूँ तो ये वन पॉइंट टू आ जाएगा ठीक ठीक है है इसको करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10. 10 की पावर क्योंकि ये सिक्स आपका नीचे आएगा ना सिक्स इंटू जीरो पॉइंट टू आपका वन पॉइंट टू हो जाएगा तो इस प्रकार से ये आपका सॉल्व हो जाएगा आगे बढ़े तो अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट दी तो हमारे पास में एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है राइट right? और इसके एक्सिस पर कहीं कोई पॉइंट पी है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसको हम लोग स्टडी करेंगे तो लेटेस से हमारे पास ये जो आपकी करंट कैरिंग एक सिंगल कॉइल है सर्कुलर शेप की इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसके एक्सिस पर एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके एक्सिस के अलोंग ही होगी ठीक है ना तो राइट right की तरफ ली है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट right की तरफ होगी अगर यही पॉइंट हमारा लेफ्ट की तरफ होता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से लेफ्ट की तरफ होता तो इस पॉइंट पे ठीक है ना जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इट विल बी गिवन बाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में टू इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू राइट तो बात करते हैं कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ठीक है ना तो सेंटर पे यानी कि X आप जीरो कर लो तो जब आप X जीरो पुट करोगे तो हमको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये मिल जाएगा सो वी कैन से एट सेंटर ये हमारी बन जाएगी आई में आर और ये हमारी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी इस करंट कैरिंग कोईल के वजह से अब अगर हम लोग एक्स जो है, ना, ये जो एक्स है वो आर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो तो ठीक है ना एट ए वेरी फार डिस्टेंस उसके लिए उस पॉइंट पर इस सर्कुलर करंट कैरिंग कोइल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके लिए हम लोग कह सकते हैं इट विल बी गिवन बाई बी टू नोट आई आर स्कॉन में तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये किसके प्रोपोर्शनल होगा वन अपॉन में एक्स क्यूब के राइट right? तो यहाँ पर ये स्मॉल आर की जगह जो हमने कैपिटल आर लिया है उसको लिख लेंगे राइट में यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका एक्स क्यूब के रेट से फॉल होगी तो अगर हम लोग इसको ग्राफिकली स्टडी करें तो ये ग्राफ हमारा जो है वो किस कुछ इस प्रकार से बनेगा सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम दैट इज इक्व टू न्यूनोट आई में टू आर और उसके बाद में दोनों साइड पे मैग्नेटिक फॉल फील्ड जो है वो फॉल करेगी राइट और ये इस तरीके से चलेगी और इस पॉइंट पर ये आपकी कर्व चेंज होगी कर्व का कर शेप चेंज होगा और ये पॉइंट हमारा आर बाई टू पे होगा राइट right? समझ में आई बात आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखते हैं हम लोग तो क्वेश्चन हमें यहां पर दिया गया है कि द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर इज 0.5 10 की पावर माइनस -4 टेस्ला तो so, एक हमारे पास में सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जिसकी रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर दी गई राइट जिसकी रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर बताई गई है और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ये हमें जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस फोर टेस्ला बताई गई है फिर बोला गया है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज तो भैया हमें पूछा जा रहा है कि इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पर पांच सेंटीमीटर की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी राइट right? तो यहां पर एक चीज तो हमें दी गई है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, राइट? सो फॉर दिस से मैग्नेटिक फील्ड फील्डर लेटर से इसको हम लोग हमारी मैग्नेटिक फील्ड बता देंगे। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये कितनी होती है म्यूनोट आई अपॉन में टू आर और इसकी वैल्यू हमें कितनी बताई गई है जीरो पॉइंट फाइव टेन की पावर माइनस फोर और अब हम लोग बात कर देंगे कि हमारे इस सेंटर से पांच सेंटीमीटर की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी तो लेटे इसको हम लोग बी टू कर रहे हैं तो एक्सिस पर कुछ दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है आई आर टू। तो दोनों को यहां पर डिवाइड कर देंगे जिससे हमको बी की वैल्यू मिल जाएगी वी कैन से बी वन इज इक्वल टू यह आ जाएगा हमारा म्यू नोट आई आर स्क्वायर ये इट वैल्यू में टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू इन टू इसका रेसिप्रोकल तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में टू आर अपॉन में म्यू नोट आई इज इक्वल टू राइट यहां पर ये देखो कुछ कैंसल आउट कर सकते हैं हम लोग ये आपका टू से टू गया म्यू नोट से ये आपका म्यू नोट गया ये आपका आई से यहाँ पर आई गया ठीक है तो ये ऊपर में आर क्यूब बन जाएगा राइट सो so, से ये हो जाएगा हमारा आर क्यूब अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू राइट हुँ?

यह आ जाएगा ट्वेल्व का स्क्वायर प्लस ट्वेल्व का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर ठीक है क्योंकि यहां पर रेडियस हमारी ट्वेल्व दी गई है और दूरी कितनी है पांच सेंटीमीटर और इसकी पावर थ्री बाई टू तो यहां पर इसका स्क्वायर करके फाइव की स्क्वायर के साथ ऐड कर देंगे और उसके बाद में इसका हम लोग अंडर रूट ले, ले लेंगे और अंडर रूट का क्यूब कर लेंगे ठीक है तो यही आपका थ्री बाई टू जो पावर होती है इसको ऐसे करते हो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी थ्री पॉइंट नाइन इन टू टेन की पावर माइनस फाइव ऐसा राइट आगे बढ़े सीधा बैठो सीधा बैठो ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ राइट सर्किटल लॉ ये आपका गॉस लॉ के सिमिलर है ठीक है गॉस लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि आपका अगर हमारे पास में क्लोज सरफेस है तो उसकी वजह से जो टोटल फ्लक्स होगा या फिर उसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा इट विल बी गिवन बाय क्यू अपॉन में तो एम्पियर सर्किटल लॉ में ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास में एक एम्पियर लूप है ठीक है ना इसका कोई भी शेप हो सकता है उसके अंदर से, लेटर से हमारा कोई तो इसकी वजह से जो आपका इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट वेक्टर बनेगा इट विल बी गिवन बाय म्यू नॉट इनटू जितना इस एम्पियन लूप को करंट थ्रेड कर रहा है राइट सो फॉर दिस वी कैन से लाइन इंटीग्रल ऑफ वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर ए क्लोज लूप इज गिवन बाय म्यू नोट इनटू जितना उस लूप से करंट निकल रहा है यानी कि उस लूप से करंट निकल रहा है यानी कि अगर हमारे पास में यहां पर लेटे से आई वन करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और आई टू करंट नीचे की तरफ है तो नेट करंट क्या आ जाएगा आई वन माइनस आई टू आ जाएगा समझ में आई बात आगे बढ़ सकते हैं हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला टॉपिक स्टडी करते हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिलेंड्रिकल वायर हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? ठीक है ना मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इस वायर के अंदर में इसके सरफेस पे और इसके बाहर की तरफ और ये जो वायर है दो प्रकार का हो सकता है या तो वो अंदर से होलो हो ठीक है ना होलो सिलेंडर हो या फिर वो आपका पूरा सॉलिड की तरह जैसे फील्ड हो कॉपर वायर का जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी में होता है वैसा वाला तो या फिर वो आपका पूरा सॉलिड वायर तो दोनों के दोनों के का ही हम लोग एक साथ केस स्टडी कर लेंगे तो अगर हमारा जो पॉइंट है वो अंदर में हुआ यानी कि जो आपकी स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से कम हुई तो सो फॉर दिस कैन से फॉर आर लेस देन कैपिटल आर आर यानी कि इस सिलेंडल वायर की रेडियस तो अंदर में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो अगर ये होलो है तो ये जीरो हो जाएगा जैसे हमने देखा था कि अगर हमारे पास में एक स्पेरिकल शेल है ठीक है ना जो अंदर से आपका होलो होता है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है जीरो होती है इसी प्रकार से इसमें भी अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी जीरो रहेगी और वही अगर ये हमारा सॉलिड का हुआ ठीक है ना यानी कि आपका सेंटर से लेके सरफेस तक मेटल आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इट इज गिवन बाय म्यू नोट आई आर अपॉन में टू पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज फॉर सॉलिड वायर राइट तो यानी कि इसके केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर से सरफेस तक लीनियरली इंक्रीज हो रही तो अब बात करते हैं हम लोग सरफेस पे तो सरफेस पे दोनों के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी एंड इट इज गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सरफेस विल बी गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन में रूपया और अब हम लोग बात कर लेंगे बाहर वाले पॉइंट के लिए राइट दैट इज फॉर आर ग्रेटर देन रेडियस ऑफ वायर, राइट, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बाहर में होगी सो वी कैन से वी आउटसाइड इज इक्वल टू म्यूनोट आई अपॉन में टू पिया राइट तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम लोग इसका ग्राफ बना रहे हैं जैसे होलो वायर के लिए तो होलो वायर के लिए सेंटर से लेके सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड कितनी चल रही है जीरो है उसके बाद में सरफेस पे पहुंचते ही एका एक से मैग्नेटिक फील्ड म्यूनोट आई अपॉन में टू पाईआर हाइएस्ट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पहुंच जाती है और उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्स विद आर के रेट से फॉल करती है ठीक है यानी कि यह आपका रेक्टेंगुलर हाइपर बोला चलेगा तो इसीलिए होलो वायर के लिए बोला गया कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगी सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन में पाई रहेगी और बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर बाय म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई आर वहीं अगर हमारा सॉलिड वायर ले सॉलिड वायर ले तो यहां पर देखिएगा सेंटर से लेके सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड हमारी लीनियरली इंक्रीज हो रही है कैसे इंक्रीज हो रही है लीनियरली इंक्रीज हो रही है तो यहां पर ग्राफ में इसीलिए ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया गया है विद अ कांस्टेंट स्लोप और सरफेस पे पहुंचते-पहुंचते मैग्नेटिक फील्ड हाईएस्ट हो जाएगी और इसकी वैल्यू जो है ठीक है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी ये हो जाएगी हमारी μ0 i में 2π r राइट और उसके बाद में ये मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ फॉल करेगी तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी प्रोपोर्शनल टू वन आर तो यानी कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है सरफेस पे हाइएस्ट हो रही है और उसके बाद में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पाथ फॉलो करेगी इस प्रकार से राइट ये चीज समझ में आई आपको आगे बढ़ सकते हैं हम लोग सौरभ

फाइनाइट लेंथ का तो सोलोनाइड यानी कि यहां पर जो करंट है ठीक है वो आपका इस प्रकार से घूमते हुए आ रहा है यानी कि अगर हम लोग ये वाला पॉइंट देखें तो यहां पर सभी लोग इधर ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है ये तो यहां पर देखिएगा ये इस तरीके से आपका स्प्रिंग शेप है और करंट इधर से आ रहा है तो देखिएगा तो जब ये ऐसे घूम के आ रहा है तो इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी बाहर की तरफ और ये घूम के अंदर में यहां पर अंदर की तरफ जा रहा होगा तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी अंदर की तरफ तो इसीलिए यहां पर हमने करंट की डायरेक्शन को ऊपर वाले पॉइंट के लिए डॉट डॉट से बता दिए और इधर वाले पॉइंट्स तो लेटर से इसकी यहां पर जो टर्न डेंसिटी है यूनिट लेंथ ये हमारी स्मॉल एन है टर्न डेंसिटी क्या है हमारी स्मॉल एन है तो इसके लिए इसके लिए यहां पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी राइट अगर ये हमारा फाइनाइट लेंथ का हुआ तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि फॉर फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सेलोनाइड इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू नॉट एन आई टू एन टू साइन थीटा वन पॉइंट्स को अगर हम लोग सोलोनाइट के एंड से कनेक्ट करें तो ये हमारा थीटा वन है और ये आपका थीटा टू राइट और इसमें यहां पर स्मॉल एन जो है इट इज योर टन डेंसिटी यानी कि इस सोलोनाइट में कितने नंबर ऑफ टर्न है अपॉन में इस सोलोनॉड की टोटल लेंथ कितनी है तो ये हमारा क्या कहलाता है टर्न डेंसिटी ये हो गया हमारा टर्न डेंसिटी वही अगर ये हमारा सोलोनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का हुआ राइट इनफाइनाइट लेंथ का हुआ ये इंपॉर्टेंट है इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलोनॉइड के लिए इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इट इज गिवन बाई म्यू नॉट एन आई और इसके एंड्स एंड्स पे के पे के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाफ हो जाती है राइट एंड इट इज गिवन बाय बी एंड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई फॉर्मेट टू इसीलिए यहां पर ग्राफ में देखोगे तो अंदर में जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो बी चल रही है और सोलोनॉइड के एंड पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी बी बाई टू यानी कि ओरिजिनल की आधी हो गई राइट right? आगे बढ़े इसमें अगला टॉपिक देखते हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड राइट टोरॉइड यानी कि अगर हमारे पास में एक रिंग हो उसके ऊपर हम लोग वायर पूरा लपेट दे तो वो हमारा क्या बन जाएगा टॉरॉइड बन जाएगा राइट right? तो इसकी लेटर से ऑन एवरेज रेडियस हमारी आर है अंदर वाले की वैसे हम लोग इसको आर वन से बता सकते हैं और बाहर वाले की आर टू से बता सकते हैं तो यहाँ पर इसी तरह से करंट जो है अंदर की तरफ यहाँ पर जो पॉइंट कर रहा है उसको हमने क्रॉस से बताया और अंदर से जो बाहर आ रहा है उसको डॉट से बताया तो इसके लिए अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऑन एन एवरेज इट इज गिवन बाई B is equals to mu naught N I, right? mu naught यानी कि free स्पेस N यानी कि टर्न डेंसिटी ऑफ टोरॉइड और I यानी कि जितना इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो अगर हम लोग N की बात करें तो ये हमारी पूरी circumference है. है लेटर से solenoid में हमारे पास में N नंबर ऑफ turns, है तो इसकी जो पूरी टोरॉइड uh, है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी टू pi r ठीक है ना तो ये ध्यान दीजिएगा एन हमारा क्या है टोटल नंबर ऑफ टन अपॉन में टू पाई आर राइट इतना समझ में आया अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग शीट अगर हमारे पास में एक करंट कैरिंग शीट है इसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इट इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में टू ंट डेंसिटी करंट डेंसिटी जे ये की ये हमने स्टडी किया था कि करंट अपॉन मेंंट डेंसिटी राइट आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन ये हमें दिया गया है कि जीरो पॉइंट 8 मीटर लॉन्ग सोलोनॉइड हैज 800 टर्न्स एंड हैज ए फील्ड डेंसिटी ऑफ 2.52 10 की पावर माइनस -3 टेस्ला एट इट्स सेंटर हमारे पास में एक लॉन्ग सोलोनॉइड है कितने लेंथ का है 0.8 मीटर का और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 800 टर्न्स है. और इसकी अंदर में फील्ड डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 2.52 10 की पावर -3 टेस्ला

और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में बी एल अपॉन में ये टर्म्स नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में बी एल अपॉन में सभी की वैल्यूज पुट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमें कितनी दी गई है into 10 की पावर जीरो पॉइंट एट है अपॉन में म्यूनोट की वैल्यू होती है फोर पाई इंटू टेन की पावर माइनस सेवन इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दोलोनो कितने हैं हमारे आठ सौ तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारे पास में टू एम राइट इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखें हम लोग अगला क्वेश्चन ये देखिएगा ये हमें दिया गया है कि एक कॉइल रैप्ड अराउंड ए टॉरॉइड हैज इनर रेडियस ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड एन आउटर रेडियस ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर एक टॉरॉइड है ठीक है जिसके ऊपर में हमने एक वायर लपेट दिए टॉरॉइड बन गया इसके अंदर वाले रिंग की रेडियस कितनी है हमारी 20 सेंटीमीटर और बाहर वाले रिंग की रेडियस कितनी है 25 सेंटीमीटर इफ दी वायर रैपिंग मेक्स 800 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पीयर तो वायर जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टॉरॉइड में कितने हैं 800 टर्न्स है और इसमें जो वायर है इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 12 एम्पीयर

यानी कि टर्न डेंसिटी दैट इज टू दून अपॉन में टू पाई नई अपॉन में राइट मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम होने के लिए आर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए तो छोटी वाली हमारी कौन सी है ट्वेंटी सेंटीमीटर वी कैन से बी मैक्स और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यूनोट यानी कि फोर पाई इन टेन की पावर माइनस सेवन इन एन कितना आ गया 800 हंड्रेड करंट कितना फ्लो कर रहा है 12 एम्पियर का अपॉन में 2 पाई इन ट्वेंटी इन टेन की पावर माइनस टू इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी हमें 9.6 पॉइंट सिक्स की पावर माइनस थ्री यानी कि ये मिल जाएगा हमें 9.6 पॉइंट सिक्स मिली टे कंप्लीट करा देता हूँ अब मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड की हम लोग बात कर लेंगे तो इसके लिए सिंपली आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर यानी कि यह हो जाएगा हमारे पास में फोर पाई इन टू टेन की पावर माइनस सेवन इन टू एट हंड्रेड इन टू ट्वेल्व अपॉन में टू पाई इन टू ट्वेंटी फाइव इन टू टेन की पावर माइनस टू और इसको सोल्व करने पर इसकी वैल्यू हमें मिलेगी सेवन पॉइंट सिक्स एट इन टू की पावर माइनस ये थ्री ये मिल जाएगा हमें सेवन पॉइंट सिक्स अगला टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन ए चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड राइट तो अगर एक चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कुछ स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी इसको हम लोग देखेंगे से हमारे पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो राइट right की डायरेक्शन में पॉइंटेड है और इसमें एक हमने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लिया है और वो लेटर से वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय एफ वेक्टर इज इक्वल टू Q into v वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर यानी कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में जो ये फोर्स लगेगा इसकी जो डायरेक्शन होगी इट विल बी गिवन बाय v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग राइट हैंड रूल से सॉल्व करते हैं यानी कि पहला वाला जो वेक्टर जो कि हमारा v वेक्टर है जिस डायरेक्शन में v वेक्टर है उस डायरेक्शन में हम लोग हमारी फिंगर्स राइट हैंड की फिंगर्स को पॉइंट आउट करेंगे और उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हमारी फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फिंगर्स को कर्ल करें राइट right? तो ऐसे तो हमारा थम कैसे आ रहा है अंदर की तरफ स्क्रीन के अंदर की तरफ यानी कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में फोर्स कैसे लगेगा अंदर की तरफ फोर्स लगेगा राइट right? तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इट इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा अब बात कर लेंगे केसेस की केस कि जब थीटा डिग्री या फिर वन एटी डिग्री हो तो यानी कि ये चार्ज पार्टिकल या तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या फिर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं right? राइट तो उस दौरान पे इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में फोर्स कितना लगेगा तो थीटा अगर जीरो डिग्री या फिर वन एटी डिग्री हो जाए तो साइन जीरो डिग्री या फिर साइन वन एटी डिग्री कितना होता है जीरो कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है चार्ज पार्टिकल के ऊपर में फो, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा जीरो यानी कि एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसके ऊपर में कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा और अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ रहेगा तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स तब भी नहीं लगेगा ठीक है तो मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए सबसे पहले चार्ज पार्टिकल मोशन में होना चाहिए और दूसरा ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं मूव करना चाहिए और वहीं अगर हम लोग सेकेंड केस की बात करें देश जब थीटा 90 डिग्री हो यानी कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे तो उस दौरान पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा एफ इज भी हो जाएगा और ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा राइट right? तो अगर या फिर हम लोग इसके डायरेक्शन की अगर बात करें तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पर इस केस में अंदर की तरफ हो जाएगा तो अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तो इसके ऊपर फोर्स किस प्रकार लगेगा ठीक है ना ये कैसा रहेगा जैसे कि ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर में एंटर किया तो इसके ऊपर में फोर्स देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस यानी कि अंदर से बताई गई है तो इसके ऊपर में फोर्स कैसे लगेगा इस पॉइंट पर वी वैक्टर क्रॉस ऑफ बी वैक्टर तो यानी कि कैसे वी वैक्टर क्रॉस ऑफ बी वैक्टर बी वैक्टर आपका अंदर की तरफ यानी कि फोर्स कैसा लगा आपका ऊपर की तरफ समझ में आई बात ठीक है ना वी वैक्टर ऐसे ठीक है ना और वी वैक्टर अंदर की तरफ तो फोर्स कैसा लगा यहाँ पर ऊपर की तरफ तो यहाँ पर ये देखिएगा इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि इसके ऊपर फोर्स ऐसा लगेगा जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा तो इसका मोशन ऊपर की तरफ वी वेक्टर इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तो यानी कि फोर्स कैसा हो जाएगा लेफ्ट की तरफ राइट तो इस प्रकार से तो यानी कि जैसे जैसे ये अपनी पोजिशन चेंज करेगा वैसे वैसे फोर्स जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ पॉइंट करेगा और ये इस तरीके से एक सर्कुलर लूप कंप्लीट करेगा। क्योंकि फोर्स हमेशा इसके मोशन पे मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा है और परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा ही ऑब्जेक्ट के सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है उसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं करता है। और ये इसको एक सर्कुलर लूप में घुमाएगा कैसे घुमाएगा एक सर्कुलर लूप में यानी कि ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कल बनाएगा अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से पूरी तरह से परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो ठीक है तो इसके ऊपर में जो ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है यही इसको सफिशियंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि ऐसा फोर्स जो कि सेंटर की तरफ एक्ट होता है ठीक है ना और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगा से, right? so right, तो जब ये ऐसा एंटर करेगा तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि दिस फोर्स प्रोवाइड्स कौन सा फोर्स क्यू बीबी दिस फोर्स प्रोवाइड्स दी बताऊंगा This force provides the necessary centripetal force to the particle to move in circular path. Okay? डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये देखो इससे क्रॉस से तो राइट right हैंड का हम लोग यूज करना है पहला वाला जो वैक्टर है वो कौन सा है आपका v तो पहले वाले वेक्टर के हमारी राइट right हैंड की फिंगर्स को पॉइंट आउट करते हैं जैसे ये यह यहाँ पर ये यह वाला पॉइंट है आपका तो वी वैक्टर आपका इधर की तरफ है ठीक है ना तो राइट right हैंड की फिंगर्स को आपने वी वैक्टर के अलोंग कर लिया वी वैक्टर किधर है अंदर की तरफ तो राइट right हैंड की फिंगर्स को अंदर की तरफ कर्ल करो हम कैसे ऊपर की तरफ और सेम इसी तरह से हमको इस पॉइंट पर भी करना है ठीक है ना तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं ये फोर्स जो जो है है एक पर्टिकुलर पॉइंट पॉइंट की तरफ पॉइंट कर रहा है जो कि सर्कल का सेंटर हो जाएगा ये जो सर्कल है इसकी ये फॉर्मूला याद रखना इसका जो ये रेडियस होगी राइट दिस रेडियस आर विल बी गिवन बाय एम वी अपॉन क्यूबी इज मास ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल वी इज द स्पीड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल क्यू यानी कि इस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है और बी यानी कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसका जो टाइम पीरियड रहेगा इट विल बी गिवन बाई टू पाई एम अपॉन में अपॉन में क्यू बी राइट तो ये हमारा टाइम पीरियड यानी कि एक सर्कुलर लूप को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा टू पाई एम अपॉन क्यू बी राइट right. और अब हम लोग इसकी यहां से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन में टी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी क्यू बी अपॉन में टू पाई राइट right. और अब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेंगे एंगुलर वेलोसिटी इसकी हो जाएगी क्यू बी अपॉन में ठीक है एंगुलर वेलोसिटी दैट इज एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम राइट ये नोट डाउन कर लेना आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में टॉपिक बात करेंगे अब कि तो अगर हमारा चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है जो कि अंदर की तरफ पॉइंटेड है और ये कुछ रीजन के बाद में खत्म हो जाती है यानी कि एक्स रीजन तक ही है तो क्या होगा जब ये चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करेगा तो ये एक सर्कुलर लूप बनाएगा लेकिन जैसे ये यहां पर पहुंचेगा मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई और उसके बाद में यहां से टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा तो लेटर से ये आपका जो सर्कल है ये आर रेडियस का एक सर्कल बना रहा है और इस दौरान एंगल बनाता है तो ये थीटा एंगल कितना बनाएगा ठीक है इसको हम लोग देख सकते हैं राइट यानी कि बेसिकली अब हम लोग इस डेविएशन की बात कर रहे हैं डेविएशन यानी कि एंगल थीटा तो डेविएशन की हम लोग बात करते हैं तो अगर हम टी टाइम बाद में देखें, तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर टाइम टी ठीक है तो हमें पता है ओमेगा इज गिवन बाय थीटा अपॉन में टाइम टेकन ठीक है तो थीटा क्या हो जाएगा थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास में थीटा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टू टाइम टी और ओमेगा ये हमारे पास में क्या आया था क्यू बी अपन में इससे बाहर निकल रहा है तो इसकी देविएशन कितनी हो जाएगी क्यू बी टी अपन और अगर हम लोग इसको डिस्टेंस ट्रेवल से देखे ठीक है ना मान लीजिएगा कि ये इस दौरान पे एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर मूविंग लीनियर डिस्टेंस एक्स तो यहां से ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग दिख रहा है तो इससे हम लोग साइन थीटा बता सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटिनियस सो फॉर दिस वी कैन से साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में आर राइट तो यहां से अगर ठीक है तो यहां से हम लोग ये थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं सो वी कैन से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में आर राइट और ये डेविएशन का पॉसिबल है अगर एक्स की वैल्यू आर से कम हुई तो राइट दैट इज इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू आर तो हमने देख लिया था कि अगर हमारा थीटा जीरो डिग्री और वन एटी डिग्री होती है तो उसके ऊपर में फोर्स और उसका मोशन किस प्रकार से रहेगा थीटा 90 डिग्री रहेगा तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर में फोर्स और उसका मोशन कैसा रहेगा तो बात करते हैं कि अगर ये एंगल जो है ठीक है कुछ थीटा हो और ये थीटा जीरो डिग्री से ज्यादा और नाइन्टी डिग्री से कम हो तो राइट देट इज दिस इज आवर केस थ्री दैट इज एट एन एंगल थीटा तो यहां पर इसको इस डायग्राम से बताया गया राइट तो लेटर से कि हमारी भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है ठीक है इसमें एक्स और ये वाई दोनों एक्सिस प्लेन के अलोंग है और जेड एक्सिस स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही ध्यान दीजिएगा इधर तो अगर हमने कोई चार्ज पार्टिकल को वी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया तो क्या होगा कि इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है वो होगा हमारा v v थीटा और जो इसे परपेंडिकुलर है, वो क्या होगा थीटा, राइट? Right? जो यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड से वो इसको सर्कल में घुमाएगा ध्यान दीजिएगा जो इसे परपेंडिकुलर है दे दे इस वेलोसिटी का कंपोनेंट वो इसको परपेंडिकुलरली घुमाएगा और जो इसके मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है ठीक है ना इसके वजह से इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड रहेगी, तो ये कि ये चार्ज पार्टिकल आगे भी जाएगा और गोल भी घूमेगा तो अगर ये गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है तो इस तरीके से ये स्प्रिंग का फॉर्म ले लेगा जिसको हम लोग हेलिकल पाथ कहते हैं राइट right? तो इसके लिए ये जो हमारा सर्कल बनेगा इसकी रेडियस हो जाएगी हमारी आर इज इक्वल टू एम इन टू वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट अपॉन में क्यूबी तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं इट विल बी थीटा में qb. और इसका जो टाइम पीरियड होगा एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए ये हो जाएगा हमारा टू पाई एम अपॉन में क्यूबी अब बात करते हैं इसकी पिच की ठीक है ना पिच यानी कि एक पूरा सर्कुलर लूप करते वक्त ये हॉरिजॉन्टली आगे कितना डिस्टेंस बढ़ता है या फिर एक टाइम पीरियड के लिए ये कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है इसको हम लोग क्या कहते हैं पिच सो पी ये क्या हो जाएगा हमारे पास में राइट तो टाइम पीरियड टी इन टू वी कॉस्टा ठीक है ना तो ये सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास में टू पाई एम डिस्टेंस स्पीड कितनी है हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए चार्ज पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज दार्ज पर यूनिट मास जीरो पॉइंट टू गुलाम पर के जी हेज वेलोसिटी

चार्ज पार्टिकल के ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगता है क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर अपॉन में मास ऑफ़ चार्ज पार्टिकल तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग क्यू अपॉन में एम ठीक है यानी कि स्पेसिफिक चार्ज ये हमें जीरो पॉइंट टू दिया गया सो इट इज जीरो पॉइंट टू वी वेक्टर ये है हमारा टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर यानी कि फाइव आई कैप प्लस टू जे कैप राइट तो ये हो जाएगा हमारा जीरो पॉइंट टू ठीक है ना आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो होता है ठीक है माइनस थ्री इंटू टू ठीक है तो इसके लिए पहले ये करेंगे तो एक मिनट हाँ ठीक ये इसके लिए करेंगे तो टू इंटू टू यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा फोर हो जाएगा और आई कैप क्रॉस जे कैप ये क्या होता है हमारा के होता है फिर माइनस थ्री ठीक है ना इंटू फाइव करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस फिफ्टीन जे कैप क्रॉस आई कैप ये क्या होता है हमारा माइनस के कैप ठीक है ना देखिए ये कैसे करते हैं इसकी ट्रिक भी मैं बता देता हूँ आपको देखिए इसको कैसे करोगे ये आई कैप जे केप, केप, फिर से केप, जे केप, ये केप ये केप लिख लेना। अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहेगी और इसका अगला वाला यूनिट वेक्टर हो जाएगा जैसे आई कैप क्रॉस कैप करोगे तो हमको क्या मिलेगा प्लस के केप. जे कैप क्रॉस के करोगे, तो क्या मिलेगा हमें प्लस आई कैप के करोगे, तो क्या मिलेगा हमको प्लस कैप वहीं अगर इसकी उल्टी सेंस में चलोगे इस डायरेक्शन में चलोगे तो हमको अगली वाली वैल्यू मिलेगी लेकिन नेगेटिव राइट जैसे के कैप कैप क्रॉस जे करोगे तो हमको आई कैप मिल जाएगा लेकिन ये मिलेगा माइनस आई केव। जे केव क्रॉस आई कैप 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 जे क्रॉस करोगे तो ये मिलेगा हमको माइनस के कैप ये बात समझ में आई ठीक है ना एकदम सिंपलेस्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है और आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो होता है जे कैप क्रॉस जे कैप ये भी जीरो होता है और के कैप क्रॉस के कैप भी जीरो होता है ठीक है तो इसी के बेसिस पर ये हमने निकाल लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा इट विल बी जीरो पॉइंट टू इन टू राइट ये आ जाएगा हमारे पास में फोर प्लस फिफ्टीन यानी कि नाइनटीन के कैप इज इक्वल टू थ्री पॉइंट एट के कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये हमारा हमको एक्सेलरेशन मिल गया राइट दैट इज थ्री पॉइंट एट के के मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई होप ये चीज समझ में आई आपको ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो भी समझ में आया आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन ये हमें दिया गया है कि ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर्स इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद देयर वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द फील्ड एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल इनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलेट कराया गया है और उसके बाद में ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर कर रहे हैं जिनकी वेलोसिटीज इस मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है राइट सो कंपेयर द रेडियाई सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय देम तो इनकी ये जो सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे इनकी रेडियाई का रेशियो क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है तो रेडियस बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है आर इज इक्वल टू mv अपॉन में qb होता है m into v ये क्या होता है लीनियर मोमेंटम मास वेलोसिटी दैट इज लीनियर मोमेंटम इसको हम लोग p से बता सकते हैं सो इट इज p अपॉन में qb और लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप होती है दैट इज लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय 2 मास ऑफ द पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी राइट अंडर रूट में ही चल रहा है अपॉन में qb इज इक्वल्स टू अब देखिएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी है हमारी वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही राइट right? तो इनको ये काइनेटिक एनर्जी मिली है एक पोटेंशियल एनर्जी से तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज टू एम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू इन टू पोटेंशियल बिकॉज यू इज इक्वल टू क्यू राइट अपॉन में क्यू बी पूरे को हम लोग अंडर रूट में ले लेंगे तो ये अंडर रूट में लोगे तो क्यू स्क्वायर और ये बी है ना फिर एक क्यू से क्यू घट जाएगा तो यानी कि इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट में टू एम वीन में क्यू बी स्क्वायर ये ध्यान में रखिएगा यहां पर वी वेलोसिटी नहीं पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है तो यहां पर दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए अगर देखें प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल के लिए तो इनको सेम पोटेंशियल से करा है। कि कराए कांस्टेंट है कांस्टेंट है और बी चार्ज तो अगर हम लोग इसका रेशियो दैट इज रेडियस ऑफ प्रोटोन अपॉन में रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू रूट में मास ऑफ प्रोटोन अपॉन ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन में चार्ज ऑफ प्रोटोन तो ये हो जाएगा हमारे पास में मास ऑफ प्रोटोन अपॉन में अल्फा पार्टिकल प्रोटोन से चार गुना भारी होता है राइट सो इट इज फोर एम पी अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है जिसमें दो न्यूट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स हो ठीक है ना हीलियम का आइटम जिससे हम लोग दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं ये हमारा अल्फा पार्टिकल बन जाता है इनटू टू ठीक है ना चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल दो प्रोटोन के बराबर है यानी कि ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यूपी अपॉन में क्यूपी और ये पूरा आपका अंडर रूट में चलेगा तो यहां पर ये देखिएगा एक MP से MP कट किया QP से QP किया तो ये आपका टू और ये फोर कट के टू आ जाएगा और ये सिंपली हमें क्या मिल जाएगा वन बाई रूट टू मिल जाएगा ठीक है ना समझ में आया ये आगे बढ़ते हैं। तरीका यही बता दिया ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन ये दिया है हमें ए फील्ड ऑफ जीरो पॉइंट थ्री टेस्ला एक प्रोटॉन की बीम है जो कि ठीक है ना प्रोटॉन की बीम काफी सारे प्रोटॉन्स है एक लाइन के फॉर्म में आ रहे हैं इनकी वेलोसिटी कितनी है फोर इंटू टेन की पावर फाइव मीटर पर सेकेंड और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर कर रहे हैं जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो के साथ में सिक्सटी डिग्री का एंगल बना रही है यानी कि फिर ये कैसे ट्रेवल करेगी हेलिकल पाथ में ट्रेवल करेगी सो फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ टेकन बाय द प्रोटॉन बीम एंड द पिच ऑफ द हेलिक्स तो ये जो हेलिकल पाथ फॉलो कर रही है इसकी रेडियस क्या होगी और इसकी पिच कितनी होगी ये हमसे पूछा जा रहा है तो रेडियस के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है आर इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्यू बी या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी सभी की वैल्यूज पुट करते हैं अब हम लोग यहां पर तो देखिएगा प्रोटोन है तो प्रोटोन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है इट इज 4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू साइन 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए जरा रूट थ्री बाइट अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास में चार्ज प्रोटोन का कितना होता है 1.6 पावर माइनस नाइनटीन इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.3 तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 1.2 पॉइंट टू इन की पावर माइनस टू मीटर या फिर इसको आप बोल सकते हो कि 1.2 सेंटीमीटर अब आ जाते हैं हम लोग पिच के ऊपर में तो पिच के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने टू पाई एम वी कॉस थीटा यानी कि सिक्सटी डिग्री अपॉन में क्यूबी इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करते हैं टू इंटू पाई यानी कि थ्री पॉइंट वन फोर इंटू मास प्रोटोन का वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी सेवन डिग्री ये सॉरी वेलोसिटी वी है हमारा वेलोसिटी कितना है हमारा फोर इंटू टेन की पावर फाइव और कॉ सिक्सटी डिग्री कितना होता है बताइए जरा तो ये आ जाएगा, 10 19 तो यहां पर ये देखो हम लोग 1 .67, 1 .67 को कर सकते हैं ये टू से आपका टू चला जाएगा तो इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू हमें मिलेगी जीरो पॉइंट जीरो फोर फोर मीटर या फिर इसको बोला जा सकता है फोर पॉइंट फोर सेंटीमीटर ठीक है समझ में आई ये बात आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला टॉपिक देखिएगा ये हमारा दिया गया है फोर्स और चार्ज पार्टिकल इन्हें कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इसको लोरेंस फोर्स भी कहा जाता है यानी कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इन्फ्लुएंस में है तो इसके ऊपर में टोटल फोर्स जो लगेगा ठीक है ना ये हमारा क्या कहलाता है लॉरेंस फोर्स बिल्कुल राइट right. तो दोनों का फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स सो वी कैन से टोटल फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ये कितना हो जाएगा हमारे पास में क्यू वेक्टर e और मैग्नेटिक फोर्स ये क्या हो जाएगा? क्रॉस ऑफ वेक्टर यहां से क्यू कॉमन ले लो तो ये मिल जाएगा हमको ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस वेक्टर वैक्टर इसी से हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ेंगे अगर हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल है लेटर से ये प्लस क्यू है और ये एक ऐसे रीजन में एंटर कर रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो लेटर से कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक uh, फील्ड बाहर की तरफ है ठीक है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो इसके ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग जाएगा तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा नेट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा राइट right. अगर इसके ऊपर में नेट फोर्स जीरो है तो चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा तो वेलोसिटी सिलेक्टर यही करता है यानी कि जिस वेलोसिटी से एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रीजन में एंटर कर रहा है जिसकी वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो इसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा ऐसे खूब सारे अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स यही चार्ज पार्टिकल अलग अलग स्पीड में आ रहे हैं तो और यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा छेद कर दें और बाकी जगह ब्लॉकेज लगा दें तो जो इस पर्टिकुलर स्पीड के हैं वही वही चार्ज पार्टिकल्स एक बीम के फॉर्म में निकल पाएंगे बाकी जो है वो ब्लॉक रहेंगे ब्लॉक हो जाएंगे राइट यानी कि वेलोसिटी बेसिकली चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को select करने में काम आता है यानी कि यही पर्टिकुलर वेलोसिटी के जो चार्ज पार्टिकल्स है वो एक छोटे से अपर्चर से पास हो पाएंगे राइट तो ये कब होगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होगा और इस दौरान पे जो वेलोसिटी होगी वो आपका e बाई बी होगी यानी कि यही वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकल पाएंगे इतनी बात समझ में आई चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में दिया गया है कि ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ टू कुलाम इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप मीटर पर सेकंड इनसाइड ए रीजन हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू जे कैप वोल्ट पर मीटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फाइव के कैप टेस्ला तो एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज हमें टू गुलाम दिया गया और इसकी वेलोसिटी टू आई के प्लस थ्री जेके, जेके मीटर पर है। एक रीजन में एंटर कर रहा है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर टू मैग्नेटिक फील्ड के फाइंड द इनिशियल लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल तो उस इंस्टेंट पे इसके ऊपर लॉरेंस फोर्स यानी कि टोटल फोर्स कितनी एक्ट होगी ये आपसे पूछ लिया गया तो लोरेंस फोर्स ये हमें पता है इट इज गिवन बाई क्यू इन टू E right? क्टर हमारा, right? हमारा टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप इज क्रॉस विथ बी वैक्टर यानी कि फाइव के के राइट right? तो so, ये हो जाएगा हमारा टू इंटू टू जे कैप प्लस देखेगा इसको आप करते हैं हम लोग तो आई कैप क्रॉस के कैप ये क्या मिलेगा हमको माइनस जे कैप और टू इंटू फाइव यानी कि टेन तो ये मिल जाएगा हमें टेन इंटू माइनस कैप फिर राइट right? आपका फाइव इंटू थ्री यानी कि फिफ्टीन क्रॉस के ये क्या आ जाएगा हमारा आई कैफ राइट तरीका पता है ना तो ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल ठीक है ना तो ये हो जाएगा आपका इसमें हम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू फिफ्टीन यानी कि थर्टी आ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा थर्टी आई कैप और अंदर में ये कितना आ जाएगा हमारे पास में माइनस एट जे के एफ तो माइनस एट इंटू टू यानी कि सिक्सटीन यानी कि माइनस सिक्सटीन जे के एप न्यूटन ठीक है समझ में आई बात आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग साइक्लोट्रॉन राइट साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या होता है ये एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सीट करके इनकी वेलोसिटी या फिर काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा कर देते हैं। तो हम लोग हाईली चार्ज पार्टिकल्स बनाते हैं या फिर मतलब हाई वेलोसिटी के मूविंग के चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर उसकी वेलोसिटी बढ़ा देते हैं अब अल्टीमेटली इसका यूज कहां पर आता है मेन जो यूज है इसका आपका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में लेजर ट्रीटमेंट में ठीक है या फिर जब हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं फ्यूजन करते हैं तो वहां पर हमारे चार्ज पार्टिकल्स को बोमबार्ड करने के लिए न्यूक्लियस के साथ में वहां पर यूज आता है उसमें भी आपका ये हाई चार्ज पार्टिकल्स की बीम होती है तो यानी कि बेसिकली क्या है इट इज ए डिवाइस टू एक्सेलरेट पर्टिकुलरली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जैसे कि आपका अल्फा पार्टिकल्स हो गया डिटोरेंस हो गया इलेक्ट्रॉन्स को भी किया जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है ठीक है ना थोड़ी बाद में ये आपका अनसिंक्रोनाइज हो जाएगा इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स को यूज नहीं किया जाता तो इसमें चार्ज पार्टिकल्स होना चाहिए अगर आपका न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन को उसको एक्सिलेट नहीं करा जा सकता तो इसमें हम लोग पर्टिकुलरली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल्स हो गया और ड्यूटोर हो गया उसको हम लोग यूज करते हैं प्रोटोन्स को किया जाता है तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है तो यहां पर हम लोग दो डी लेते हैं ठीक है और ये जो गैप है इस गैप में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी राइट और अंदर में ठीक है ना और इस गैप में भी ठीक है ना पूरे रीजन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही दोनों ही आपकी परपेंडिकुलर और इन डी को हम लोग एक एक्सिलेटिंग या फिर हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर देंगे राइट right? फिर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल इससे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही तो इससे चार्ज पार्टिकल जिसको सेंटर पे रखा जाएगा ये लगातार इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा जिसकी रेडियस आपकी बढ़ती जाएगी और जैसे-जैसे इसकी रेडियस बढ़ रही है वैसे-वैसे इसकी स्पीड बढ़ रही है और जब ये डिफ्लेक्टर यानी कि मैक्सिमम रेडियस पे आएगा तो यहां से डिफ्लेक्ट होके हमारे टारगेट को हिट करेगा राइट right? So, for cyclotron, we can say it is a device used to accelerate positively charged particles like. अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ़ ऑसिलेटर इज़ इट गिवन बाय टू पाई अपॉन क्यूबी। और यहां पर इस चार्ज पार्टिकल के पास में जो मैक्सिमम एनर्जी होती है इट इज गिवन बाय ई मैक्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर इन टू आर स्क्वायर यानी कि मैक्सिमम रेडियस अपॉन में अपॉन में टू है ठीक है तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन देखिएगा ठीक है ये हमें दिया गया है कि द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड ऑन ए साइक्लोट्रॉन इज थ्री पॉइंट फाइव टेस्ला

ये हमारा प्रोटोन है और प्रोटोन के ऊपर में चार्ज कितना होता है हमारा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन इन मैग्नेटिक फील्ड है थ्री पॉइंट वन फोर इन मास प्रोटोन का वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी सेवन तो इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू हमें मिलेगी फाइव पॉइंट फाइव सेवन इंटू की पावर सेवन हर्ट राइट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्स ऑन ए करंट केयरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड राइट लेटर से हमारे पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसमें एक करंट केयरिंग कंडक्टर है तो इस करंट केयरिंग कंडक्टर के ऊपर में ये मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाएगी एंड दिस फो इज गिवन बाई एफर इक्वल तो इसके ऊपर इसको भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर राइट तो इसका मैग्निट्यूड हम लोग बोल सकते हैं इट इज गिवन बाई आई एल बी साइंथीटा थीटा इज एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर एल वेक्टर की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हमारा उसमें करंट फ्लो कर रहा है right? तो इसके अब हम लोग स्टडी करते हैं अगर थीटा हमारा जीरो डिग्री या फिर वन एटी डिग्री हो तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा यानी कि कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे तो कंडक्टर के ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा जीरो हो जाएगा कोई फोर्स नहीं लगेगा और वहीं अगर ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो यानी कि थीटा हमारा 90 डिग्री हो इसके ऊपर में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना हो जाएगा आई एल बी हो जाएगा और ये हमारा मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा राइट right? अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स एंड ऑन एन आर्बिट्ररी शेप्ड वायर अगर वायर का शेप सीधा नहीं हो कुछ अलग प्रकार से हो तो उसके ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा okay. तो लेटर से हमारा जो कंडक्टर है वो इस तरीके इस तरह का शेप्ड है ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की जो डायरेक्ट दूरी है यानी कि इसकी इक्विवेलेंट लेंथ राइट right. ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रही है तो लेट अस से ये हमारा थीटा एंगल तो इसके लिए हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इट इज गिवन बाय i इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर और इसकी लिमिट कहां से रहेगी स्टार्टिंग पॉइंट ए से लेके एंडिंग पॉइंट यहां पर d तक तो ये मिल जाएगा हमें i इनटू एडी वेक्टर ठीक है ना सीधा आपका एडी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर राइट यहां पर एडी क्या है इसकी इफेक्टिव लेंथ ऑफ जो कि हमको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से कनेक्ट करने पे मिल जाएगी राइट सो वी कैन हियर एडी इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ वायर तो इसका मतलब यह है कि अगर ये जो वायर है क्लोज्ड लूप का हुआ भले ही कोई भी इसका शेप हो जैसे सर्कुलर हो ठीक है ना तो अगला टॉपिक भी हमारा यही है इट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए क्लोज करंट कैरिंग लूप चाहे उसका शेप कोई भी हो तो उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी राइट right, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी इफेक्टिव लेंथ जीरो हो जाएगी तो अगर इफेक्टिव लेंथ जीरो है तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा राइट right? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन ये हमें दिया गया है कि ए वायर ऑफ लेंथ ए कैरीज ए करंट आई अलोंग दी वाई एक्सिस एक वायर है जिसकी लेंथ ए है ठीक है ना इसमें करंट फ्लो कर रहा है वाई एक्सिस के अलू एंड ए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट विच इज गिवन बाय और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में है जिसकी वैल्यू कितनी है बी नॉट इंटू थ्री आई कैप प्लस जे के प्लस केल्कुलेट मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म एंड इट्स मैग्नेट्यूड तो हमें इस कंडक्टर के करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा उसका मैग्नीट्यूड और इसका वेक्टर फॉर्म हमें बताना है तो मैग्नेटिक फोर्स की हमें बात हो रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय आई इनटू एल वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर सो इट विल बी वेक्टर और क्योंकि करंट आपका वाई एक्सिस में है और इसकी लेंथ ए है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए जे कैप क्रॉस ऑफ बी नॉट इन थ्री आई कैप प्लस टू जे कैफ प्लस के कैप राइट तो ये हो जाएगा हमारा आई इन टू राइट जेकेब यह तो जीरो होता है राइट right. और J cap cross I cap, ये क्या होता है हमारा माइनस के माइनस के k प्लस तो क्या होता है I cap होता है, तो A टू बी नोट आई कैप हो जाएगा इज इक्वल टू राइट तो यहां पर हम लोग ए बी नॉट को कॉमन ले सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में आई इन टू ए बी नॉट और ये बच जाएगा यहां से हमारे पास में आई कैप माइनस थ्री के कैप राइट और वी कैन से इट विल बी ठीक है ना ओपन करें तो आई ए बी नॉट आई कैप माइनस और इसका मैग्नीट्यूड अगर लें हम लोग तो क्या हो जाएगा ठीक है ना आई ए बी नॉट ये आपका कॉमन ही था ठीक है ना तो आई ए बी नॉट रूट में वन का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर तो ये आ जाएगा हमारे पास में रूट में टेन इन टू ये बाहर है रूट से आई ए नोट हो जाएगा समझ में आई बात आई कि नहीं आई ठीक है तो आगे बढ़े हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं इज फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर्स हमारे पास में यहां पर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है जिसमें पहले वाले में करंट आई वन फ्लो कर रहा है और दूसरे वाले में आई टू फ्लो कर रहा है तो ये चीज ध्यान में रखिएगा अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा ठीक है और इन पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा That is is by by given mu into upon R ठीक है R यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और सेपरेशन तो सेम सेंस में तो यहां पर फोर्स कैसा लगेगा अट्रैक्टिव राइट तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है तो बोल लेना यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा और ये कब होगा जब करंट्स विल फ्लो इन दी है इन दी सेम डायरेक्शन और यही फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स ये कब होगा ठीक है जब करंट्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे राइट सो वी कैन से द फोर्स विल बी रिपल्सिव व्हेन करंट्स फ्लो इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन राइट ये बात समझ में आई आपको ठीक है ना तो ये छोटे छोटे पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है आगे बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस अगर हमारे पास में दो मूविंग चार्जेस है ठीक है तो उनके बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ठीक है अगर सेम नेचर के हैं सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो आपका अट्रैक्टिव रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिपल्सिव रहेगा तो इसके ऊपर में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इट गिवन बाय अपॉन में फोर पाई आर स्कवायर आर स्क्वायर आर यानी इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन वही अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये तो सिंपली आपका कितना हो जाएगा दैट इज में Q1, Q2 में पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन अगर यहां पर वी वन और वी टू सेम होती है यानी कि दोनों की स्पीड सेम है राइट तो उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक फोर्स का जो रेशियो रहेगा ठीक है

मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है और इसके सेंटर पे जो डायपोल मोमेंट होगा इट इज गिवन बाय मैग्नेटिक मोमेंट एम वैक्टर टू आई इज दिस लूप और यानी कि एरिया ऑफ द लूप तो ये कोई जरूरी नहीं आपका सर्कल में हो उसी के लिए स्क्वायर के लिए भी हो सकता है कोई भी और भी है उस सब के लिए आपका ये वैलिड तो इससे जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा इसकी वैल्यू क्या होगी एम वैक्टर तो देखिएगा यहाँ पर इसको बताया हमने तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी एरिया वैक्टर क्या लो? और ये कैसे निकालोगे जिस डायरेक्शन में इस लूप का करंट फ्लो हो रहा है उस सेंस में उस डायरेक्शन में हम लोग हमारी राइट right हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे जो थंब है वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन दे देगा यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी स्क्रीन के अंदर की तरफ ये बात समझ भाई चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड टू एम्पियर आर पास्ड थ्रू टू पैरेलल वायर्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो हमारे पास में टेन एम्पियर और टू एम्पियर के करंट है जो कि

दो मीटर का है तो इसके ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा राइट तो ये हमसे पूछा जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट हम लेंथ हमने देखा था तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन इन टू आई टू अपॉन में टू पाई आर ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है तो एल लेंथ के लिए कितना हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एल सभी की वैल्यूज बूट कर लो यहाँ पर म्यू नॉट यानी कि फोर पाई इंटू टेन की पावर माइनस सेवन इन टू आई वन टेन एम्पियर आई टू टू एम्पियर और लेंथ कंडक्टर की लेंथ टू मीटर अपॉन में टू पाई इन टू ठीक है ना आर ये हमारा कितना है टेन सेंटीमीटर तो टेन सेंटीमीटर यानी कि टेन इंटू टेन की पावर माइनस टू तो यहां पर ये टू पाई फोर पाई कट के आपका टू आ गया और इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू हमें मिलेगी एट इंटू टेन की पावर माइनस फाइव राइट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन ये हमें दिया गया है कि टू इलेक्ट्रॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर विद एन इक्वल वेलोसिटी V is equals to 200 into 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट दी रेशियो ऑफ मैग्नेट मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ठीक है तो हमें रेशियो पूछा जा रहा है राइट दो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि पैरेलली मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में और इनकी वेलोसिटीज सेम है दोनों की जो कि है टू हंड्रेड इंटू टेन की तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो हमें पूछा जा रहा है तो रेशियो ये हमने पढ़ा था एफ एम अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू वी अपॉन में सी का स्क्वायर वेर सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सो इट इज 200 हंड्रेड इन टेन की पावर थ्री अपॉन में थ्री इंटू टेन की पावर एट राइट तो ये हो जाएगा हमारा इट इज इक्वल टू फोर बाई नाइन इन टू वन अपॉन में टेन की पावर सिक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट फोर फोर इन टू टेन की पावर माइनस सिक्स इज इक्वल टू इसको हम लोग बोल सकते हैं फोर पॉइंट फोर इन टू टेन की पावर माइनस सेवन राइट चलिए आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन देखिए क्या दिया है क्वेश्चन हमें दिया गया है कि फाइंड मैग्नेटिक मोवमेंट ऑफ एन राउंड लूपलोटेस्ला ठीक है तो हमारे पास में एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जिसकी रेडियस हमें हंड्रेड मिलीमीटर mm दी गई है और इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है एट टेस्ला तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी ये हमसे पूछा जा रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट हमने पढ़ा था क्या होता है आई इंटू ए तो हमें पता है कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है नोट आई अपॉन में टू आर होती है। तो यहां से हम लोग करंट की वैल्यू बता सकते हैं आई की वैल्यू आई ये क्या हो जाएगा हमारा टू बी आर अपॉन में म्यूनोट ठीक है ना इन टू ये आपका ए आ गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर करंट केरिंग वायर की वजह से कितनी होती है म्यूनोट आई अपॉन में टू आर राइट सो इट विल बी टू बी आर इन टू आर ठीक है ना क्योंकि इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा टू पाई ठीक है और इसको सोल्व कर बी ये आपका आर क्यूब हो जाएगा अपॉन में म्यू नॉट यानी कि फोर पाई इन टू टेन की पावर माइनस सेवन तो इसको यहां पर कट करते हैं ये कट हो गए नीचे में टू आ जाएगा वैल्यूज पुट करते हैं आप सभी की तो मैग्नेटिक फील्ड ये हमें दिया गया है एट कि एट इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स टेस्ला इंटू रेडियस कितनी है हंड्रेड मिलीमीटर यानी कि हंड्रेड इंटू टेन की पावर माइनस थ्री इसका क्यूब अपॉन में टू इंटू टेन की पावर माइनस सेवन तो इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आएगा फोर इंटू टेन की पावर माइनस टू एम्पियर मीटर स्क्वा हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं तो हमारे पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसमें एक हम लोग करंट कैरिंग लूप ले रहे और लेटर से उसमें करंट I फ्लो कर रहा है इस तरीके से तो यहां पर इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट देखें तो इसके प्लेन से परपेंडिकुलर जो कि यहां पर एंगल थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में तो इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के ऊपर में जो ये टॉर्क लगेगा इट इज गिवन बाय टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ठीक है ना एम यानी कि आईए और यहां पर अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हुई ये तो क्या हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा और इसके अगर हम लोग केसेस की बात करें अगर थीटा हमारा जीरो डिग्री होता है तो टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो ठीक है थीटा जीरो डिग्री होना यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के प्लेन से परपेंडिकुलरली जा रही ठीक है तभी तो वो डायरेक्शन क्या होती है एरिया वेक्टर की उसके परपेंडिकुलर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाएगी थीटा जीरो अगर हमारा थीटा 90 डिग्री हुआ तो टॉर्क टाउ क्या हो जाएगा एन आई ए बी यानी कि ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा और इस दौरान पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एरिया के प्लेन के अलोंग जाएगी राइट right? तो यहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन ये हमें दिया गया है कि ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज इक्वल टू टू टी इन एक्स वाई प्लेन ए शोन इन द फिगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जिसकी रेडियस ट्वेंटी सेंटीमीटर है इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसका मैग्नीट्यूड टू टेस्ला है और ये एक्स वाई प्लेन में है द लूप कैरीज ए करंट आई इज टू वन एम्पियर इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर तो लूप में यहां पर जो ये करंट फ्लो कर रहा है ये आपका वन एम्पियर का है सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप तो इस लूप पे टॉर्क कितना एक्ट होगा ये हमसे पूछा जा रहा है तो देखिएगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है इस एरिया के प्लेन में यानी कि एंगल थीटा ठीक है क्या हो जाएगा 90 डिग्री क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अंदर अंदर की की तरफ तरफ हो जाएगी स्क्रीन के मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के प्लेन में है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया नाइन्टी डिग्री तो अगर ये एंगल नाइन्टी डिग्री है और इसके ऊपर टॉर्क निकालना है तो टॉर्क हमें पता है इट इज गिवन बाई एम बी थीटा और थीटा ये हो गया 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री इज वन तो यहां पर ये सिंपली क्या हो जाएगा हमारा एम बी और एम यानी कि अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या हो जाएगा एन आई ए इंटू बी और ये सर्कुलर लूप है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा राइट अब हम लोग सभी वैल्यूज पुट करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स एक ही टर्न है इन करंट कितना है 1 ampere. Pi की value into radius 20 की की कि और इसका भी जीरो पॉइंट टू फाइव न्यूटन मीटर राइट तो इस चैप्टर का हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ठीक है ना गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट डिटेक्ट करता है इसका जो कंस्ट्रक्शन है जो ऐसा ही कुछ इस प्रकार है ठीक है ये हम लोग एक राउंड मैग्नेट यानी कि अल्टीमेटली ये आपका शू मैग्नेट है इसके अंदर में ये हमारी कॉइल है और इस कॉइल को सॉफ्ट आयरन कॉर सिलेंडर के ऊपर वाउंड किया गया और अल्टीमेटली ठीक है ना इसको एक ज्वेल्ड बियरिंग के ऊपर रखा गया है और यहाँ पर ये एक हमारी हेयर स्प्रिंग है फिर इसके साथ एक पॉइंटर अटैच है राइट और ये हमारे टर्मिनल्स हैं, जिसको हम लोग सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इसमें जो ये हमारा करंट फ्लो होगा वो इसके डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड दिस करंट इज गिवन बाय के अपॉन में एन ए बी अल्फा अल्फा यानी कि इस नीडल का जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है वो तो यहाँ पर अपॉन में ये पूरा कांस्टेंट है राइट right? जिसको हम लोग जी से लिख सकते हैं बार जी अल्फा सो वी कैन से ये जो एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा इस नीडल का राइट इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी कि जितना ज्यादा सर्किट में करंट होगा उसके लिए हम लोग गैलवनोमीटर को जब यूज करेंगे तो नीडल का डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा राइट और यहां पर जी जो कि हमें के अपॉन एन ए बी से बताया गया है ये बेसिकली हमारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहलाता है क्या कहलाता है ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहलाता है अब इसमें बात कर लेंगे करंट सेंसिटिविटी ठीक है ना सेंसिटिविटी यानी कि झंझनाटाइन वाली झंझनाट हाथों वाली ठीक है सेंसिटिविटी यानी कितने अच्छे से या फिर बारीकी से उस चीज को ये मेजर कर सकता है या फिर डिटेक्ट कर सकता है तो किसकी सेंसिटिविटी चाहिए हमें करंट की और सेंसिटिविटी हमें डिटेक्ट कैसे होता है नीडल के डिफ्लेक्शन से तो कितने करंट के लिए नीडल का कितना डिफ्लेक्शन हुआ ये हमारी करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी राइट right? तो करंट सेंसिटिविटी यानी कि आई एस इज टू अल्फा अपॉन में आई राइट right? कितने करंट के लिए कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी और यही चीज यहां से हम लोग बता सकते हैं राइट अल्फा अपॉन आई ये क्या हो जाएगा हमारा वन बाई जी राइट सो इट विल बी वन बाई जी और ये हमारा क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल यानी कि एन ए बी अपॉन में के okay. करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी कि ये क्या हो जाएगा कितने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन हुआ राइट सो वी कैन से वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एंगुलर डिफ्लेक्शन अल्फा अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस ये हमें पता है इट इज गिवन बाई करंट इनटू रेजिस्टेंस और अल्फा अपॉन आई ये हमारा क्या है करंट सेंसिटिविटी सो इट इज करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं आई आई अपॉन जी से एस को सो so ये हो जाएगा हमारे पास में वन अपॉन में जी आर या फिर ये हो जाएगा एन ए बी अपॉन में के आर हो जाएगा राइट right? तो हम लोग इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन पे आगे हैं ठीक है ना

तो एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न तो ये तो हमारी एक ही है यानी कि वन हो गया मैग्नेटिक फील्ड ये हमारी दी गई है हमें टू इंटू टेन की पावर माइनस टू ये भी हमें बताया गया है इट इज के की वैल्यू ठीक है ना ये देखो ये हमारा टॉर्शनल कांस्टेंट है के होता है दैट इज दू की पावर माइनस नाइन सो इट इज फोर इंटू टेन की पावर माइनस नाइन तो ये हमें मिल जाएगा न्यूमरेटर में जीरो पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू जीरो राइट तो ये हमारी करंट सेंसिटिविटी आ गई और इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं तो इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट हमने स्टडी कर लिए फॉर्मुलेज हमने देख लिए कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हमने कर लिए तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग कंक्लूड करते हैं राइट तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं सो थैंक यू ऑल